इस खबर के पेश करता है अजान टूर्स एंड ट्रेवल्स हजन उमरा ग्रुप आकाश नगर अंबरपेट हैदराबाद डी कैफे स्टूडियो अ स्टूडियो थीम कैफे बिनज़ैद मनी ट्रांसफर सेंड एंड रिसीव मनी अराउंड द वर्ल्ड इन मिनट्स। खुशामदीद नाज़रीन, 20 जुलाई बरोज़े हफ्ता तेलंगाना के मशहूर और मारूफ फिल्म प्रोड्यूसर और बिजनेसमैन गोपन्ना बोयना श्रीनिवास यादव की धूमधाम से सालगिरह मनाई गई। ये सालगिरह सिकंदराबाद के ताड़बन चौरस्ते पर मनाई गई, जिसमें एमएलसी अग्गू मलेश और एमएलआर ग्रुप के चेयरमैन लक्ष्मा रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और उन्हें मुबारकबाद देते हुए उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर उनके चाहने वालों का एक बड़ा हुजूम देखा गया, जो वक्फे वक्फे से उन्हें मुबारकबाद और शालपोशी के साथ साथ उनसे केक्स भी कटवा रहा था। इस मौके पर सिकंदराबाद के ताड़बन चौरस्ते पर जश्न का माहौल देखा गया। उन्होंने अपनी सालगिरह की तकरीब में आवाम के लिए आम खास खाने का एहतमाम किया और साथ ही साथ फ्री मेडिकल कैंप और ब्लड डोनेशन कैंप भी मुनाकिद किया। गोपन्ना बोयना श्रीनिवास यादव विक्ट्री इंफ्रा प्रोजेक्ट्स नामी कंपनी के साथ साथ अपने वालदेन के नाम से कलावती परशुराम यादव फाउंडेशन नामी एक एनजीओ चलाते हैं, जिसे वो बीमार और बेसहाराओं की मदद करते हैं। उनकी सालगिरह के मौके पर उन्हें खास मुबारकबाद देने के लिए आई आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम की रहने वाली जयम्मा। जयम्मा पीजी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और माजूर है। उन्हें पढ़ाई का शौक है और उन्होंने केजी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस में की है। पढ़ाई का शौक होने पर और आमदनी का जरिया ना होने की वजह से जयम्मा मायूस थी, जिसके बाद जयम्मा की मुलाकात हुई गोपन्ना बोयना श्रीनिवास यादव से। पढ़ाई के लिए जयम्मा का जज्बा देखकर गोपन्ना बोयना श्रीनिवास यादव ने जयम्मा की पूरी पढ़ाई और खर्च की जिम्मेदारी ले ली। मीडिया से बात करते हुए गोपन्ना बोयना श्रीनिवास यादव ने कहा कि ये फलाही बहबूद के काम वो बिना मजहब और मिल्लत के इंसानियत के लिए करते हैं, ना कि कोई पॉलिटिक्स के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि जब एनटीआर फौत हुए तब से उन्हें पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं रही और टीडीपी को अगर कोई इख्तदार पर दोबारा ला सकता है तो वो जूनियर एनटीआर है। जयम्मा के इस जज्बे को देखकर हमें बॉलीवुड मूवी ओम शांति ओम का ये डायलॉग याद आता है कि अगर किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की ख्वाहिश करे तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए जुट जाती है। दुनिया में गोपन्ना बोयना श्रीनिवास यादव जैसे लोग इंसानियत की एक बेहतरीन मिसाल पेश कर रहे हैं। सुनते हैं गोपन्ना बोयना श्रीनिवास यादव का बयान। ओ इंडस्ट्री वाले के पास जाके इलेक्शन के टाइम में बच्ची को मैं देखा, सब जने है, मैं जाके वहाँ नंगा बोलते देखो मुन्ना भाई एमबीबीएस में मेरा जॉब में जितना उतना पैसे दे के अम्मा ले लो बोल के लगा दिया। वहाँ बड़े बड़े प्रोड्यूसर थे, मैं क्या बोला भैया ये बच्चा का बच्ची का प्रॉब्लम है, थोड़ा मेहनत हैंडीकैप्ट में है, मेरिट देखो तो बहुत अच्छा है, डिग्री पढ़े से बच्ची पीजी पढ़ने के लिए पैसे की प्रॉब्लम है, सबको दे बोलते सब जने दे, तुम बोले कोई नहीं दे इंडस्ट्री में। मैं इनको उसी दिन दिया पैसा, बाद में विजया गांव को एक 25,000 फर्स्ट सेमेस्टर बना और एक 25,000 दिया, अब 50,000 ये साल का हो गया, अब नेक्स्ट 50,000 इनका होना वो भी मैं दे दूँ, उससे काम नहीं चलेगा बच्ची का, पेट है रोजगार होना हॉस्टल है वो भी मैं ये मांगली जाता रहे के बाद जाके आंध्रा में इनके अकाउंटेशन भी मैं पूरा वॉलेंटियर इनका ले रूँ। मेरा सगा बहन मैं मंदिर मस्जिद और क्या बोलते हैं क्रिश्चियन से कसम खा के बोल रूँ, अब तक इतना करा सवाला मैं वो करतुम नहीं करतुम, हमारा बहन को मालूम होना बहन बहन बन के मालूम, मेरे को जात पात कोई भी नहीं है, मैं सब जने मेरा नीचे सब जने मिल के रहते हम लोग, मैं बहुत इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क, अभी तक बहुत करा मैं कलावती परशुराम यादव फाउंडेशन से, बहुत करा ऑफिशियली नहीं करा, बहुत करे सो नहीं आ रहा,
बर्थडे कर ले बोल के वो हमारा फॉलोअर्स मेरा फैंस में हेल्प कर सवाल पूछे तो वो बर्थडे के दिन मैं वॉलंटरी काम कर रहा हूँ। मैं इसमें कोई पॉलिटिकल का नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं एक पार्टी का आदमी नहीं है। मेरा एक ही है, मैं पैसे वाले को जाके नहीं झुकता, मैं नीचे से ऊपर आया। मेरा अम्मा बाप बहुत अच्छा एक तरीके से पढ़ाया, बहुत मुश्किल से मैं ऊपर आया। मेरा तकलीफ दूसरों को हो रहा तो मैं नहीं देख सकता हूँ, होना बोलता हूँ मैं नंगा होके भी निकाल, नंगा मीन्स मेरा जो भी है दे तो मैं पैदल चले जाता हूँ। मेरा मेंटालिटी वो है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकते। उसके ऊपर मेरे ऊपर बहुत एप्लीकेशन है, मेरे फैमिली में, रिलेशन में, सब में बढ़ता इन्होंने नहीं देखता। मैं ऐसा बांट रहा हूँ, मेरा बिजनेस थोड़ा बहुत अच्छा है, मेरे को तो अच्छा मिल रहा, मेरा फैमिली अच्छा है। मैं जो कर रहा हूँ मेरा वॉलंटरी कर रहा हूँ। समझ रहे हैं, पॉलिटिकल सोच रहे, समझ रहे सब गलत सोच रहे और इसको अच्छापन को भी बुरापन का वैसा दिखा रहता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं मरे तक एक बार फायदा हुआ, जब वो आदत आया अम्मा बाबा से देखा, मरे तक वही रहता। मेरा कितना करोड़ आता है कि नहीं मालूम, आदमी को क्या होना, तीन टका ये होना, इतना तो नहीं खाते, इतना खाते खाने का इतना है तो बांटना, मेरा एक ही है। एनी रॉन्ग क्वेश्चन, सॉरी जिगरी फ्रेंड है। अब तेलुगु देशम पार्टी का फिर फाउंडेशन होना बोले तो एक ही आदमी है, जूनियर एनटीआर, बट उसका एज अभी कम है। आने के काल में ये पूरा वारसत्व का क्या बोलते हैं, मेनरिकम, हिंदी में क्या बोलते कि मेनरिकम नहीं कर लेना बोला, मामा को मार दिया, दामाद बन गया, कोकोदर को लगा लिया उसको हटा दिया, हरिकृष्ण साहब को लगा उसको हटा दिया, बालकृष्ण को ले गया के हमारा एक में कहा होता है क्या बोलते हैं, बरला दोटला बर्रन कटेसू, हिंदी में क्या बोलते भाई, हो बरला दोटला बर्रन कटेसू, बालकृष्ण दोटला कटेसू, मेनरिकम वाणु, साइंस पोदना पेली चेसको बोम्मेमो बहुत चौबू, जूनियर एनटीआर तौकेशु, బుడ్డోడు బుడ్డోడు అంటే గుడ్డలుడోడు కొట్టదన్నాడు చూడు, బుడ్డోడు అంటే మనోడు అన్నాడు ఆవడ అన్నది, మా కొడుకు ఎన్టీఆర్ జూనియర్ రేపు కాబోయే టీడీపీ వారసుడు, రేపు రాబోయేదంతా యూత్, పెద్ద ఎన్టీఆర్ తర్వాత ఆయననే నాకు అభిమానం. టీడీపీ అంటే చంద్రబాబు నాయుడు కాదు, ఇది ఎలిజిబిలిటీ పర్సన్ కాదు, ఓన్లీ వన్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఇస్ ఎలిజిబుల్ పర్సన్. ఈరోజు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ టీడీపీకి వస్తే చాలా మంది వచ్చేటోళ్ళు ఉన్నారు, వారంటీగా మాలంటోళ్ళు. మేము ఇప్పటిదాకా పెద్ద ఎన్టీఆర్ చనిపోయిన తర్వాత ఎవరిని కలవలేదు. నాకు సెంట్రల్ నుంచి కూడా ఆఫర్ ఉంది, త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటా, సెంట్రల్కి వెళ్తానా స్టేట్ లో ఉంటానా అని డిసైడ్ చేసుకుంటా. ఓకే.